हाय सो गुड इवनिंग गाइस आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड गाइस आज जो हम जॉब नोटिफिकेशन आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों वो आया है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए और जो आ रहा है जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है उसका नाम है इंडियन एयर फोर्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन इंडियन एयरफोर्स एडवर्टाइजमेंट नंबर दोस्तों स्क्रीन के ऊपर है आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ऑफिशियल मैंने नोटिफिकेशन खोल ली है दोस्तों यहां पे तो कुल मिलाकर यहाँ पे एक सौ तिहत्तर दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों सो <laughs> so, अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग क्रमांक कमांड यहाँ पे रखी गई है दोस्तों और जनरल ओबीसी एस सी एस टी ईडब्ल्यू एस ई एस एम सभी के लिए वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है जिन ट्रेड्स के लिए वैकेंसी निकली है उन ट्रेड्स का नाम है कारपेंटर एम टी एस एच के एस कुक एल डी एस स्टोर कीपर सुपर स्टोर मै स्टाफ उसके बाद पेंटर कारपेंटर तो दोस्तों ये जितने भी ट्रेड्स हैं सभी के लिए वैकेंसी निकली है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सबसे पहले बात करूंगा हेडक्वार्टर हैट्कौर, सेंट्रल एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स जिसमें आपका आगरा आता है और लखनऊ आता है तो यहाँ पे आगरा और लखनऊ के लिए कुल मिला के दोस्तों आप वैकेंसी देख सकते हो यहाँ पे कुल मिला के आगरा और लखनऊ के लिए दोस्तों यहाँ पे कुल मिला के पच्चीस वैकेंसी निकली है ठीक है ये जो कमांड है आपका आगरा में कमांड है ये एयरफोर्स स्टेशन जो है और ये एक है आपका बक्से का तलाव जो कि लखनऊ में पड़ता है वहां पे स्टेशन की कमांड है इनकी एयरफोर्स की तो वहां पे वैकेंसी निकली है दोस्तों आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ये फुल दोस्तों नोटिफिकेशन है ये वेबसाइट पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा आप देख सकते हो दोस्तों बाकी अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा जहां से आप डायरेक्टली इसको पढ़ भी सकते हो तो दोस्तों सेंट्रल एयर कमांड में कुल मिलाकर पच्चीस वैकेंसी निकली है अलग अलग ट्रेड के अकॉर्डिंग है दोस्तों और अलग अलग आपकी कैटेगरी वाइज बांटी गई है ठीक है आ, उसके बाद दोस्तों आपका आता है साउदर्न एयर कमांड ठीक है तो इसमें आप देख सकते हैं साउदर्न एयर कमांड में आपका बेंगलोर आता है और मैसूर आती है तो बैंगलोर मैसूर में कुल मिलाकर चार वैकेंसीज निकली हैं दोस्तों ठीक है और चार एक की चार ईडब्ल्यू एस कैटेगरी के लिए रखी गई है ओके और दोस्तों अगला आता है आपका हेडक्वार ट्रेनिंग कमांड तो ट्रेनिंग कमांड में दोस्तों काफी सारी वैकेंसीज निकल रखी है पे अगर मैं बात करूँ ट्रेनिंग कमांड में कौन कौन से एरियाज आते हैं बेंगलोर आता है बेलगावी आता है चेन्नई आता है आपका कम्बत और आता है, हैदराबाद आता है सिकंदराबाद आता है आपका तो जितने भी ये तो स्टेट्स आपको मैंने बता रखे ग्यारह ये ग्यारह कमांड है आपकी ट्रेनिंग कमांड जो आपकी है ठीक है हेडक्वार्टर की तो यहाँ पे एल डी जितने भी दोस्तों सबकी वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों एंड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ठीक है अब बात आती है वेस्टर्न एयर कमांड में तो दोस्तों वेस्टर्न एयर कमांड में आता है आपका दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पठानकोट गाजीबाद यूपी एंड हरियाणा दोस्तों तो ये आते हैं यहाँ पे एंड दोस्तों आप देखते हो सबसे ज्यादा वैकेंसी जब भी निकली है कभी तो वो निकली है आपकी हमेशा एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में जो गाजियाबाद में दोस्तों यहाँ पे पहले भी वैकेंसी निकली थी दोस्त दो सौ तिहत्तर पद निकले थे इसके तो दोस्तों इस बार फिर से वैकेंसी निकली दोस्तों काफी ज्यादा मार्स में वैकेंसीज निकली है दोस्तों स्क्रीन पे आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे जनरल ओबीसी बी सी एस सी एस टी ईडब्ल्यू एस पीडब्ल्यू डी एक्सर्विसमैन सभी कोटा रखा गया यहाँ पे आपको जिस स्टेट के लिए अप्लाई करना आप यहाँ से कर सकते हो जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना आप कर सकते हो अब बात करते हैं दोस्तों आपकी एज क्राइटेरिया की तो मिनिमम एज रखी गई इसमें अठारह साल और मैक्सिमम रखी गई है पच्चीस साल ठीक है तीन साल की छूट मिल जाएगी ओबीसी वाले बच्चों को पांच साल की छूट मिल जाएगी एस सी एस टी वाले बच्चों को ठीक है एंड आप आगे अपना एज का अकॉर्डिंग कर सकते हैं अब दोस्तों मैं बात करता हूँ एजुकेशन क्राइटेरिया की तो अगर आप सुपरिटेंडेंट स्टोर के लिए अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों सिंपली आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से चाहे बीए हो चाहे बीटेक हो चाहे कुछ भी हो कोई भी स्ट्रीम हो बीएससी हो बीटेक हो बीबीए हो एमबीए हो बीकॉम हो कोई भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट होने चाहिए पास आउट होने चाहिए ठीक है आप आपने डिग्री पास कर ली हो तो वो होनी चाहिए और उसके अलावा जो बच्चा डिग्री कर रहा है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता अगला आती है लोअर डिवीजन कलर्क की जिसको हम क्लर्क बोलते हैं तो इसमें सिंपली ट्वेल्थ पास चाहिए किसी भी बोर्ड से कितने भी परसेंटेज आपकी बारहवीं में वो चल जाएगा किसी भी बोर्ड से आपने ट्वेल्थ कर रखी चल जाएगी लेकिन यहाँ पे आपके टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों टाइपिंग टेस्ट आपको करना पड़ेगा इंग्लिश में दस मिनट का आपको समय मिलेगा जहाँ पे आपको साढ़े अक्षर लिखने हैं दस मिनट के अंदर और अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में भी लिख सकते हो दोस्तों हिंदी में आपको तीन वर्ड लिखने हैं दस मिनट में बात आती है आपकी स्टोर कीपर की दोस्तों स्टोर कीपर में ट्वेल्थ पास रखा गया है दोस्तों सिंपली एंड और कुछ भी नहीं कुक के लिए टेंथ पास रखा गया है ठीक है या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कैटरिंग में एक साल या फिर एक साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए तो सिंपली कुक के लिए टेंथ पास वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं पेंटर के लिए दोस्तों टेंथ पास चाहिए प्लस आई चाहिए आपके पास पेंटर में ठीक है कारपेंटर के लिए भी टेंथ पास चाहिए प्लस आई आई चाहिए कारपेंटरी में हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए टेंथ पास मांगा गया है मैथ स्टाफ के लिए टेंथ पास मांगा गया है मल्टीटास्ककिंग के लिए टेंथ पास मांगा गया है दोस्तों ठीक है तो स्क्रीन पे आप देख रहे हो दोस्तों और इसका जो सिलेबस है दोस्तों सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन होगा फिजिकल होगा एंड उसके बाद में आपका ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी एल के लिए बात करो तो जनरल इंटेलिजेंस इंग्लिश एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस दोस्तों जो एल के लिए बच्चे अप्लाई कर रहे हैं एल हो गया या फिर आपका जो स्टोर कीपर हो गया जो बच्चा एस एस लेवल की तैयारी करता है दोस्तों तो उसी की तैयारी कीजिएगा आप सिलेक्शन मिल जाएगा सी का लेवल दोस्तों SSC के सी एच एग्जाम के बराबर में आएगा और जो एम का पेपर है दोस्तों वो आपका एस के एम के पेपर के अकॉर्डिंग आएगा एम का पेपर में भी दोस्तों सेम टू सेम इसमें भी सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग न्यूमेरिकल इंग्लिश जनरल अवेयरनेस तो दोनों में सेम है दोस्तों ठीक है एंड यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों सौ नंबर का पेपर होने वाला है ठीक है अब दोस्तों आपको फॉर्म कैसे फिल करना है दोस्तों स्क्रीन पे आप देख रही एप्लीकेशन फॉर्म है, अप्लिक, है यहाँ पे ठीक है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और जब फॉर्म को भरोगे दोस्तों तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा कहीं भी अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज पूछ लीजिएगा कि भाई मुझे डाउट आ रहा है यहाँ पे और दोस्तों और ये बता दू ऑफलाइन फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म नहीं है आपको एक चिट्ठी लेनी है दोस्तों ठीक है चिट्ठी के ऊपर जो चिट्ठी जो बड़ा वाला इन्वेल्प होता है ठीक है बड़ा वाला लिफाफा होता है उसके ऊपर आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे लिख देना एंड कैटेगरी क्या है आपकी जनरल हो एस सी एस टी ओ हो ई डब्ल्यू एस हो क्या जो भी हो अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर चार दो हजार इक्कीस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट साथ साथ दोस्तों आपको दो फोटोग्राफ लगाने हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ठीक है और ऊपर दोस्तों आपको दस रुपए लिख रखा है दस रुपए की स्टैंप आप कम से कम भी नहीं तो नहीं तीस रुपए की स्टैंप लगा लीजिएगा दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि एडमिट कार्ड अगर आप दूर रहते हो दोस्तों तो चिट्ठी को बीस से तीस रुपए लग जाते हैं तो इसलिए आप तीस रुपए की स्टैंप लगा दीजिएगा जो वापिस वापस वापसी का जो आप एनवेलप लगाओगे अपने बड़े लिफाफे के साथ में उस एनवेलप के पीछे तीस रुपए की स्टैंप लगा दीजिएगा डेट सेट इसके बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से अटैच करने हैं इसके साथ इसके साथ दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने वो रहेगा आपका टेंथ का मार्कशीट ट्वेल्थ का मार्कशीट एंड आईटीआई का मार्कशीट एंड आपका आधार कार्ड की कॉपी या या फिर कोई भी आपका पहचान पत्र उसकी कॉपी ठीक है एंड अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो जैसे कि अगर आप के लिए अप्लाई कर रहे हो दोस्तों तो वहां पे आपको डिग्री चाहिए और डिग्री की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए ठीक है उन सभी की पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी सॉरी उनकी फोटो कॉपीज लगानी आपको ठीक है ओरिजिनल मत भेज देना गलती से क्योंकि वो वापस मिलेगा भी नहीं ठीक है जैसे दोस्तों पे लिख रखा है ऑल डॉक्यूमेंट इन इन सपोर्ट एजुकेशन हो गया एज का हो गया टेक्निकल एजुकेशन हो गया ठीक है कास्ट सर्टिफिकेट हो गया कास्ट सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए ओबीसी है एस सी एस टी है ठीक है जनरल वालों के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है ईड्बल्यू एस वाले जो बच्चे हैं उनको अपना सर्टिफिकेट लगाना है ईडब्ल्यू एस का दोस्तों ठीक है तो ईडब्ल्यू एस का सर्टिफिकेट लगा देना नहीं तो दिक्कत आ जाएगी ठीक है तो दोस्तों ये था आपको एज कटेरिया बता दिया कौन कौन से ट्रेड है नौ ट्रेड है यहाँ पे जहां पे वैकेंसी निकली है और अलग अलग कमांड्स में वैकेंसी निकली है दोस्तों ठीक है और एक सौ तिहत्तर पद है दोस्तों ऑल ओवर द इंडिया से मेल अप्लाई कर सकते हैं मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको मैंने एज बता दिया आपको मैंने एजुकेशन बता दिया आपको मैंने सिलेबस बता दिया एंड ऑफलाइन फॉर्म रहने वाला है बड़े लिफाफे पे, पे आपको कितने का क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है और आपको अपनी फोटो अटैच करनी है हर एक चीज दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दी है एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों इसको प्रिंट आउट निकलवा निकलवा लीजिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों और कुछ अगर आपको पूछना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और दोस्तों मेरी कल अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी है जहां पर मैंने आपको बता रखा है सीआरपीएफ कॉन्टेबल ट्रेड्समैन टेक्निकल की पोजिशन के बारे में जो अपडेट पता चला है तो उसको भी आप जाके देख सकते होते दोस्तों उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा नहीं तो अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं मिलता है तो आप जाके मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते सो आई होपोप दोस्तों आपको इनफॉर्मेशन बिल्कुल सही लगेगा इस वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना कॉमेंट कर देना सब्सक्राइ करना चाहिए